ये ब्रोकर्स के साथ आप जुड़ जाइए एंड आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ब्रोकर आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये ब्रोकर भी आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, दोनों अपनी अपनी जगह पे मास्टर्स हैं इस फील्ड के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। मैं निकेत बसवानी लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे शेयर मार्केट के प्राइस में मूवमेंट्स आती है, जो बेसिकली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप एक बिगिनर है तो आप वो वीडियो डेफिनेटली जाके देखिए, आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किए हैं स्टॉक मार्केट के, बेसिक्स क्या है, प्राइस में मूवमेंट्स कैसे आती है, एंड जो जनरल नॉलेज होना चाहिए हर किसी को, उसमें उस बारे में मैंने वो वीडियो में कम्प्लीटली बताया है इन डेप्थ। आज की वीडियो है पार्ट टू, इसके बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं ये सीरीज के। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि पार्ट टू मैं स्टॉक ब्रोकर के ऊपर बनाने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप फुल सर्विस चुनना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए कौन सा बेस्ट है, और अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकिंग चुनना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए कौन सा बेस्ट है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सो व्हाट आर फुल सर्विस ब्रोकर्स, क्या होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स? फुल सर्विस ब्रोकर्स वो होते हैं जो आपको फुल सर्विस देते हैं। फुल सर्विस में आ गया, स्टॉक रिकमेंडेशंस देंगे आपको और एक एडवाइजर देंगे जो कि आपको पल पल, लाइक समझो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक गाइड हो जाएगा वो आपका फाइनेंस के जंगल में, वो आपका गाइड बनके आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उस चीज में आपको वो गाइड करेगा, आपका गाइड, यानी कि उसको कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर शेयर मार्केट की भाषा में। और मेन फुल सर्विस ब्रोकर का कैसा होता है कि डायल एंड ट्रेड फैसिलिटी होती है, कि अगर आप कोई काम में बिजी हो या आप यूजर फ्रेंडली एप्स हो तो भी आपको समझ में ना आता हो इन केस, तो आप उनको कॉल एंड ट्रेड कर सकते हैं। लाइक आपको कोई ट्रेड लेना हो तो आप उनको कॉल कर सकते हैं कि आप मेरे लिए 100 क्वांटिटी ले लीजिए ये स्टॉक का और ये रेट पे ले लीजिए, और हो सके तो इमीडिएटली ले लीजिए या मार्केट प्राइस पे ले लीजिए या लिमिट ऑर्डर सेट कर लीजिए ये रेट पे लीजिए कुछ भी, और वो ट्रेड आपके बिहाफ से लेंगे। फुल सर्विस ब्रोकर्स परसेंटेज वाइज चार्ज करते हैं 0.5%, 0.3%, 0.05% एंड 0.03% एज वेल। इक्विटी डिलीवरी में 0.5, इंट्राडे में 0.05 एंड ऑप्शंस में समवट अराउंड 50-80 रुपीज पर लॉट, या कुछ कुछ 30-35, 40-50 पर लॉट कर लेते हैं। ये फुल सर्विस का है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अब डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज डिस्काउंट ब्रोकर? डिस्काउंट ब्रोकर आपको ब्रोकरेज चार्जेस में फुल डिस्काउंट दे देते हैं, 20 रुपीज पर ऑर्डर, पर लॉट नहीं, पर ऑर्डर, जितनी क्वांटिटी उठानी है उठा लो। आपने एक ऑर्डर डाला, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके आपके 20 रुपीज बाय करते टाइम कटेंगे एंड 20 रुपीज सेल करते टाइम कटेंगे। तो डिस्काउंट ब्रोकिंग आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर प्रोवाइड नहीं करते जो आपको पल पल गाइड करता रहे फाइनेंस के जंगल में, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको एक यूजर फ्रेंडली ऐप दे देते हैं, या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर दे देते हैं, कुछ कुछ लोग अच्छे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो वो एप्स एंड सॉफ्टवेयर में लाइक इतने यूजर फ्रेंडली वो क्रिएट कर लेते हैं पैसे खर्च करके कि आपके लिए इजी टू यूज हो जाए, वो आप उनको इजीली यूज कर सको एंड उसमें इजीली ट्रेड कर सको तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो बात करते हैं कि फुल सर्विस में और डिस्काउंट ब्रोकर्स में डिफरेंस क्या है। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको परसेंटेज वाइज चार्ज करेंगे, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको फ्लैट चार्ज करेंगे पर ऑर्डर, और ये पर लॉट करेंगे या पर एग्जीक्यूटेड अमाउंट या फंड्स या क्वांटिटी जो भी है उतना वैल्यू होता है उस पे परसेंटेज वाइज चार्ज करेंगे, जबकि वो लोग फ्लैट चार्ज करेंगे। ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि आपको पल पल गाइड करता रहेगा फाइनेंस के जंगल में। ये लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको खुद से सब करना पड़ेगा, आपको खुद आना चाहिए ट्रेड करने, एंड इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इनके एप्स कुछ कुछ फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं जिनके एप्स काफी वंडरफुल एंड इजी टू यूज, बट मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स उन सारों के एप्स एकदम यूजर फ्रेंडली है, एकदम इजी होते हैं, सो दैट इन्होंने एक तो फुल डिस्काउंट ब्रोकिंग कर दिया है। अब सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकरेज देख के तो कोई आएगा नहीं, तो इनको यूजर फ्रेंडली एप्स भी रखने पड़ते हैं जो कि आपको ट्रेड करने के लिए इजी पड़ जाए, इसलिए वो लोग ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं यूजर फ्रेंडली एप्स बनाने में, सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए ट्रेड करना और आप इनके अंडर ट्रेड कर लीजिए। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अब एग्जांपल्स देना चाहता हूं मैं आपको फुल सर्विस ब्रोकर्स के एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स से। तो शुरू करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर से। फुल सर्विस में मैं अभी आपको सिर्फ
टॉप थ्री या टॉप फोर के नाम बताऊंगा एंड डिस्काउंट में भी टॉप थ्री या टॉप फोर के नाम बताऊंगा। बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं, सबके बारे में बताना एक टाइम वेस्ट करने का बात हो जाएगी क्योंकि सबके बारे में कुछ इतना खास नहीं है, इतना कुछ फर्क नहीं है ज्यादा लोगों में, मतलब ज्यादा ब्रोकर्स में सॉरी, एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स में भी ऐसा ही है, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बस जो टॉप थ्री या टॉप फोर है मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो फुल सर्विस में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं सबसे लाइक गुड फुल सर्विस ब्रोकर जो कि सिर्फ स्पेसिफिक इसी बिजनेस में फोकस करते हैं, उनका पूरा बिजनेस ही यही है कि ब्रोकिंग करना है उनको। तो उनमें आते हैं शेर खान, सबसे पहले शेर खान आते हैं। शेर खान एक बहुत ही पुरानी जानी मानी कंपनी है जो कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, उनका नेटवर्क काफी अच्छा है इंडिया में, एंड वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स काफी अच्छे प्रोवाइड करेंगे। उनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं स्टॉक रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे होते हैं, काफी अच्छे अच्छे वो स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं आपको। अब चलिए दूसरा ब्रोकर आ जाते हैं, दूसरा ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस ब्रोकर है, वो भी अपनी जगह पे सेम शेर खान की तरह है, काफी पुराना जाना माना ब्रोकर है और इनके भी काफी ब्रांचेस हैं शेर खान की तरह एंड दूसरे भी। आई मीन फुल सर्विस ब्रोकर्स का काम यही है कि अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होती है उनकी, सिटीज में फ्रेंचाइजीज होती है। मोतीलाल ओसवाल भी सेम ब्रोकरेज चार्जेस लेता है जैसा शेर खान एंड अदर फुल सर्विस ब्रोकर्स लेते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे सेम फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट एंड कोटक सिक्योरिटीज, ये सब फुल सर्विस हैं। बट इन लोगों का मेन बिजनेस ये नहीं है, इनका मेन बिजनेस बैंकिंग सेक्टर है, बट ये लोग साथ में ये भी करते हैं, ये भी अच्छे हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स अपनी जगह पे। बट मेन जो टॉप टू हैं जो कि सिर्फ शेयर मार्केट में फोकस करते हैं एंड सिर्फ शेयर मार्केट का ब्रोकिंग बिजनेस करते हैं वो है शेर खान एंड मोतीलाल ओसवाल। अब चलिए बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग पे। अब डिस्काउंट ब्रोकिंग तो सबसे पहले मैं लूंगा ज़ेरोधा का नाम, ठीक है। ज़ेरोधा काफी पुरानी जानी मानी कंपनी है, 20 रुपीज चार्ज करती हुई फ्लैट पर ऑर्डर, एंड उनका चार्ट का भी अच्छा है, ट्रेडिंग व्यू के साथ उनका लिंक है, काइट ऐप है उनका, काफी सही है पूरा, सब कुछ सही चलता है एंड ठीक है। टेक टीम का मेरे को इतना खास रिस्पांस नहीं लगता है ज़ेरोधा का। अब चलिए बात करते हैं दूसरी अपस्टॉक्स, दूसरी है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स एक अच्छी कंपनी है, रतन टाटा ने उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया है, टाइगर ग्लोबल एंड जैसी कई कंपनियों ने उनमें इन्वेस्ट किया है अपने स्टेक्स के लिए एंड काफी अच्छा काम कर रही है अपस्टॉक्स। उसका भी यूजर फ्रेंडली ऐप है, वो भी 20 रुपीज फ्लैट चार्ज करती है पर ऑर्डर एंड सो एंड सो, एंड उनके भी लाइक टेक रिस्पॉन्स अच्छा है, टेक रिस्पॉन्स उनका अच्छा है एज पर माई एक्सपीरियंस। दूसरे फिर आते हैं एलिस ब्लू एंड फायर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब दोनों में बेस्ट एक में है शेर खान फुल सर्विस में और इसमें है अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकिंग में, बिकॉज अपस्टॉक्स अभी लीड कर रहा है मार्केट। भले एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में ज़ेरोधा ऊपर हो बट अपस्टॉक्स अभी मार्केट लीड कर रहा है। सो यही था। अब अगर आपको मेरी राय माननी है तो मानिए, नहीं माननी तो नहीं मानिए, आप ऑलरेडी कोई ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिनको कुछ सोचना है या कुछ करना है या जो लोग न्यू है और अगर फुल सर्विस चुनना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप शेर खान चुनिए। अगर आपको शेर खान में अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उधर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप में साथ में आपको एक नंबर भी दे दिया होगा और वही आपको फाइनेंशियली एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग सिलेक्ट करनी है तो आप अपस्टॉक्स में जा सकते हैं। अपस्टॉक्स में भी अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसमें से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें भी आपको नंबर दिया हुआ है, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड आपको मार्केट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गाइड करने में आपको हेल्प करेंगे अगर आप उसमें से अकाउंट ओपन करते हैं तो। सो जिसमें ये भी आपको अकाउंट ओपन करना है आपकी चॉइस है, आप चाहें तो दोनों में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फुल सर्विस में भी एंड डिस्काउंट ब्रोकिंग में भी। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उधर से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और जिनका आपको नंबर दिया हुआ है उनको जाके मैसेज करिए एंड जुड़ जाइए उनके साथ। एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारी टेलीग्राम चैनल चलती है और जाके सर्च करके देख सकते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी में मास्टर्स हैं एंड इंट्राडे में हम लोग मास्टर्स हैं, काफी अच्छा काम चल रहा है हमारा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हैं, एक बार सर्च कर लीजिए जो आपको नाम दिखा हुआ आ रहा है एंड आप उधर जाके हमारा काम एक बार देख सकते हैं। अब अगली वीडियो ये बनने वाली है फंडामेंटल्स के ऊपर ही, कि फंडामेंटल्स में आप बैलेंस शीट्स कैसे करेंगे, कहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने मिलेंगी फंडामेंटल्स कंपनी के कहाँ देखने मिलेंगे एंड कंपेयर कैसे करना है कि हाँ अभी बाय करने जैसा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रॉम बीएसडब्ल्यू स्टॉक्स एंड फाइनेंस एंड दिस इज अनिकेत दसवानी अगेन। आप मेरा नाम याद रख लीजिए क्योंकि आगे बहुत अच्छी लंबी सीरीज चलने वाली है, आपको मेरे नाम रखने याद रखने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, फिर टेक्निकल एनालिसिस एंड सो एंड सो एंड सो, बहुत सारा कलेक्शन है, आप थक जाएंगे देखते देखते, ठीक है, बाय बाय।